नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा चमत्कारी नुस्खा बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप सर्दी जुकाम को कुछ ही मिनटों में छू मंतर कर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, सर्दी जुकाम एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसका लगभग हर इंसान को सामना करना ही पड़ता है, इसलिए इसे कॉमन कोल्ड भी कहा जाता है। जुकाम एक इन्फेक्शन होता है जो आमतौर पर ठंड के मौसम में कुछ ज़्यादा ही फैलता है, और इससे इसके सबसे मुख्य लक्षण होते हैं सिर दर्द, नाक बहना, खांसी, बुखार, आँखों में जलन, गले में खराश या गले का बैठना या शरीर में दर्द। तो दोस्तों, आपको इन सभी लक्षणों से बचाने के लिए, यानी इस जुकाम को एक रामबाण इलाज से तोड़ने के लिए, मैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त नुस्खा लेकर आया हूँ जिससे आप इन सभी परेशानियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे नीचे जाके लाल बटन को दबाकर अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं जबरदस्त टिप्स, जी हाँ, जिससे आप घर पर ही अपनी औषधि बना सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम डायरेक्ट आते हैं नुस्खे की तरफ। दोस्तों, इस नुस्खे के लिए हमें चाहिए सीतोपलादी चूर्ण। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डाबर का सीतोपलादी चूर्ण है, और सीतोपलादी चूर्ण जो ये होता है, ये और भी अन्य प्रकार के जो ब्रांड्स हैं उनके भी आते हैं बाजार में। हमदर्द हो गया और भी कई तरह के ब्रांड्स जो होते हैं, मैंने यहाँ डाबर का लिया है। आप चाहें तो कोई और भी ले सकते हैं, और अगर आपको डाबर मिल जाए तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए, इस उपाय के लिए हमें चाहिए करीब 1 चम्मच हमें शहद चाहिए और हमें 1 चम्मच सीतोपलादी चूर्ण चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ पहले बनाने की विधि और इसको लेने का सही तरीका मैं आपको बताता हूँ अभी। सबसे पहले आपको सीतोपलादी चूर्ण का 1 चम्मच आपको लेना है। जी हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ आपको करना कैसे है। ये आपको सीतोपलादी चूर्ण का करीब 1 चम्मच आपको लेना है, और इस 1 चम्मच को लेने के बाद आपको इसे शहद के अंदर, यानी 1 चम्मच शहद के अंदर अच्छे से मिलाना है। ध्यान रखें कि आप शहद को और सीतोपलादी चूर्ण को अच्छे से बिल्कुल मिला लें। अगर आपको जुकाम ज़्यादा है तो आप शहद की मात्रा थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1 चम्मच ली है, तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले आपका जो सबसे पहला काम है वो यही है कि पहले आपको इस चूर्ण को अच्छे से मिलाना है। जी हाँ, सीतोपलादी चूर्ण 1 चम्मच और 1 चम्मच ही आपको शहद अच्छे से बिल्कुल मिला लें और इसका एक अच्छा सा घोल बना लें। ये काफ़ी गाढ़ा घोल है, और आपका जब ये घोल बन जाए, जैसे आप देख सकते हैं मेरा घोल बन चुका है, ये इस घोल को बनने के बाद अब आपको इसको सेवन करना है। सेवन करने का सही तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आपको रात को सोने से पहले आपको इस चूर्ण को सेवन करना है, या तो, और ध्यान रखें सेवन जब करें आपका आपका पेट भरा नहीं होना चाहिए, खाली पेट होना चाहिए। यानी खाने, अगर आपने रात को खाना ही खाया है तो एकदम तुरंत बिल्कुल ना खाएं, करीब 1 घंटा का गैप लें और उसके बाद फिर इस चूर्ण को आप सेवन करें। या फिर आप चाहें अगर रात को ना करें तो सुबह भी कर सकते हैं। सुबह आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ये चूर्ण नाश्ता करने से पहले लेना है। जी हाँ, यानी खाली पेट। तो दोस्तों, आपको इस चूर्ण को खाली पेट या तो सुबह या शाम आपको सेवन करना है। अगर आपको आपका सर्दी या जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप सुबह शाम दोनों टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आपको मात्र सिर्फ एक टाइम का इस्तेमाल से ही इसका बहुत ही कमाल का असर दिख ही जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही असरदार और बहुत ही रामबाण नुस्खा है। इसके इस्तेमाल से आप अपने महसूस करेंगे कि आपका जो जो जुकाम है वो मात्र बहुत ही कम समय में बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा, और आपको ये बहुत ही कम समय में आपके जुकाम के जितने भी लक्षण हैं उन सबसे आपको बहुत हद तक राहत प्रदान कर देगा।
तो दोस्तों आपको जुखाम थी, कोई भी परेशानी, इसके बाद कोई भी परेशानी आपको कभी तंग नहीं करेगी दोस्तों। ये बहुत ही कारगर नुस्खा है, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें जिनको जुखाम की समस्या है, ताकि वो भी इस बेमिसाल औषधि का फायदा और लुत्फ उठा सकें। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे कमेंट के माध्यम से हमें अपना फीडबैक जरूर दें। हम जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। Let it go, let it go, let it go. Think about it higher than high.